दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भानु हॉस्पिटल्स कुल्लू एंड सुंदरनगर। जोगिंद्रनगर के उठपुर पंचायत के प्रधान संजय चौहान पर उनके ही पंचायत में हुए हमले पर आज गुरुवार को चौथड़ा ब्लॉक के अन्य प्रधानों व उप प्रधानों ने मिलकर एक ज्ञापन SDM जोगिंद्रनगर को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मिलकर मुद्दे की जांच की मांग की तथा कहा कि ये हमला संजय चौहान पर नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था पर हुआ है और यह संस्थाएं तब तक जीवित रहती हैं जब तक प्रशासन की ओर से इन्हें सहायता मिलती रहे। ज्ञापन सौंपने आए पंचायत प्रधान उप प्रधानों ने कहा कि वे इस कोविड काल में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, तो अगर ऐसा होता रहा तो उनके भी परिवार हैं जिन्हें छोड़कर वे पंचायत वासियों के लिए तत्पर रहते हैं तथा कार्य करते हैं के लिए सोचना पड़ेगा। बहुत सी पंचायतों में महिला प्रधान उप प्रधान भी हैं जिनकी सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं संजय जमवाल उप प्रधान ग्राम पंचायत मैनपुरला। आज हमने सभी विकासखंड चौंतड़ा के अंतर्गत आने वाले प्रधान उप प्रधान सभी पंचायतों के आज हमने माननीय SDM महोदय के माध्यम से एक मांग पत्र दिया है। जो परसों जो घटना उठपुर पंचायत के अंदर घटित हुई थी, एक पंचायत प्रधान संजय चौहान के ऊपर जो हमला हुआ था, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन जो है कि वो कोरोना कर्फ्यू के मेंटेन करने वहाँ पर शिकायत के आधार पर गए थे, तो उसके उनके ऊपर जो है कि उस प्रकार का हमला हुआ था और उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई तो की थी, उसके ऊपर FIR तो दर्ज हुई है लेकिन अभी तक जो है कि किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस सारे संबंध में जो एक संवैधानिक पद के ऊपर जो है कि वो प्रधानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। आज हम इसको लेकर हम आज SDM साहब से जो है कि वो मिले भी हैं और हमने एक और जो है कि इसके अंदर मांग जोड़ी है कि जो पंचायत के जो प्रधान उप प्रधान है, जो और भी प्रतिनिधि है, इनको कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया जाए और बेशर्त जो है कि सरकार से मांग की है कि बेशर्त जो है वो वैक्सीनेशन जो है कि वो सभी पंचायत प्रतिनिधियों का किया जाए, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में पंचायतों के लोग ही जो है कि वो सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, लोगों को क्वारंटीन कर रहे हैं, जो आइसोलेशन के अंदर परिवार हैं उनको राशन आदि सारी चीज़ें मुहैया करवा रहे हैं, तो ऐसे हालात में उनको जो है कोरोना वॉरियर का जो है कि वो दर्जा दिया जाए, ये हमने सरकार से मांग की है। धन्यवाद। विशाल सिंह राठौर जी ने काफ़ी लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया। मैं एक सीधी सी छोटी सी बात कहना चाहूँगा, ये हमला संजय चौहान के ऊपर नहीं है, ये हमला सीधा सीधा संवैधानिक संस्था के विरुद्ध है और संवैधानिक संस्था तभी तक जीवित रहती है जब तक हमें प्रशासन से मदद मिलती रहे। अगर इस तरीके के हमले हमारे ऊपर होते रहे, आज संजय के साथ हुआ, कल हमारे साथ होता है, कल किस परसों किसी और के साथ होता, इस कोविड महामारी में हम सब लोग देखिए दिन रात हमारे भी परिवार हैं उनको छोड़ के लोगों की मदद करने जा रहे हैं। हो सकता है कहीं कई बार हम लोगों से भी गलतियां कमियां हो जाती है, इस मामले में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, पर किसी प्रधान के विरुद्ध हमला या किसी प्रधान के विरुद्ध हमला, मेंबर के विरुद्ध हमला, मैं तो सीधा सीधा प्रशासन से यही आग्रह करना चाहूँगा कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करें और इस मामले की जाँच की जाए ताकि भविष्य में इस तरीके के लोग इन संविधान संस्थाओं को चैलेंज न करें। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल TV के लिए जोगिंद्रनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। मैं संजीव ठाकुर, प्रधानाचार्य DAV पब्लिक स्कूल ग्रह, तहसील धर्मपुर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश, समस्त क्षेत्रवासियों, अभिभावक गण एवं बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि आएँ हम सब मिलकर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करें, सोशल गैदरिंग को अवॉइड करें, कोविड से रिलेटेड सारी सावधानियां बरतें, खुद को और अपनों को बचाएं। बच्चों से मेरा अनुरोध रहेगा कि हम अपने कीमती समय को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रखी हैं, उन ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली अटेंड करें और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए इस कोविड पेंडेमिक से बचें और दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद। कुल्लू जिला का सबसे भरोसेमंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब सुंदरनगर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन अस्पतालों में पित्त की पत्थरी, गुर्दों की पत्थरी, प्रोस्टेट, हर्निया, बच्चेदानी की रसौली, अंडकोश की रसौली तथा अन्य ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किए जाते हैं। भानु अस्पताल में बिना इंजेक्शन आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन तथा अन्य ऑपरेशन किए जाते हैं। यहां कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच और चश्मे भी बनाए जाते हैं।
और यहां भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड के तहत भी दूरबीन तथा लेजर के ऑपरेशन किए जाते हैं। बड़े चीरे वाले ऑपरेशन से बचे तथा दूरबीन और लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन करवाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।